इस संजय कुमार फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बजट एंड कंट्रोल फीचर के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले जान लेते हैं बजट एंड कंट्रोल होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मानिए बजट बनाना आपके पैसे खर्च करने की एक योजना बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। इस खर्च की योजना को बजट कहा जाता है, ठीक है। और इस खर्च योजना को बनाने से पहले आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पास उन चीज़ों को करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा या नहीं होगा, या आपको करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो इन सभी कामों को करने के लिए आप बजट करेंगे। यानी जैसे मानिए आप अपनी कंपनी में एक्सपेंस करते हैं, टेलीफोन बिल, ठीक है, रेंट, फिर किसी को कमीशन भी देते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराते हैं कंपनी का, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भुगतान करते हैं, तो आप इन सभी कामों को करने के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो आप एक बजट सेट कर दो, 10,000, 20,000, 15,000। और बजट 1 महीने का बनाना है कि 3 महीने का बनाना है कि 6 महीने का बनाना है कि साल भर का बनाना है, तो इन सभी टॉपिक पे आप सेट कर दो। उसके बाद आपको अपना बजट कंट्रोल में करने की तरीके आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भुगतान कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ठीक है, या टेलीफोन बिल रिचार्ज कर रहे हो, तो आप ये 1 महीने का एक बजट सिस्टम आपने बनाया और उसको चेक कर लिया, जिससे आपका बजट वो जो आपने अमाउंट सेट किया था उससे ज़्यादा जा रहा है कि उससे कम है। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपका बजट आपके कंट्रोल में है नहीं, पर अगर उससे कम है तो आपका बजट आपके कंट्रोल में है और आप अपना बजट को कंट्रोल करके चला रहे हैं। तो इस तरीके को हम क्या करेंगे, टेलीप्राइम में सीखेंगे कि हम बजट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं। पहला है ओपन द कंपनी एंड इनेबल मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, यानी हम बजट एंड कंट्रोल फीचर को इनेबल करेंगे। फिर दूसरा है क्रिएट ए ग्रुप बजट नेमली फॉर बजट फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक ऑफ ₹5,000, यानी 5,000 का बजट बनाएंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए। उसके बाद अगला है नाउ पास द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पेड ₹3,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2022 इन कैश, यानी 1/10/2022 को हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बिल भुगतान करेंगे ₹3,000 नगद, ठीक। अगला काम करेंगे पेड कमीशन ऑफ ₹5,000 टू मिस्टर ए डेटेड ऑन 2 अक्टूबर 2022, यानी 2 अक्टूबर 2022 को हम क्या करेंगे, कमीशन भुगतान करेंगे मिस्टर ए को ₹500। फिर अगला काम करेंगे पेड ₹2,000 फॉर मीटिंग जर्नल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी ऑन 31 अक्टूबर 2022, यानी 31 अक्टूबर 2022 को हम ₹2,000 जर्नल एक्सपेंस यानी मीटिंग पे जर्नल एक्सपेंस यानी सामान खर्च हो रहा है उस पर हम खर्च करेंगे और ये एंट्री पास करके चेक करेंगे। उसके बाद अगला काम करेंगे सीधा बजट वेरियंस रिपोर्ट 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का। तो ये सब टॉपिक पे हम आपको टेलीप्राइम में आज बताने वाले हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर, अब आपको बताते हैं। तो हम आ गए हैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में, अब आपको बजट क्रिएट करना और उसकी एंट्री पास करके रिपोर्ट चेक करना टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में बताते हैं। तो सबसे पहला काम करना है बजट क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे शो मोर ऑप्शन में। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बजट ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, तो शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद और भी सारे फीचर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बजट लिखा है, तो यहाँ चले जाएंगे, बजट पे एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे बजट फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस, और यहाँ पे डेट लिख देंगे 1 अक्टूबर 2022 और 31 अक्टूबर 2022 का, क्योंकि हमको 1 महीने का ही बजट बनाना था। और ग्रुप को यस करा के यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऑन नेट ट्रांजेक्शन, ठीक, और कितने का बजट बना रहे हैं ₹5,000 का, और इसको हम क्या करेंगे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद चलते हैं वाउचर में, क्योंकि अब मुझे वाउचर्स की एंट्री पास करनी है बजट का, तो इंटर, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था ₹3,000 एडवर्टाइजमेंट बिल भुगतान कर रहे हैं नगद, ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डेट, डेट में क्या लिखेंगे 1 अक्टूबर, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ देखिए कहीं एडवर्टाइजमेंट है नहीं, तो यहाँ अल्ट सी कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे और अंडर क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और इसको हम क्या करेंगे सेव करा देंगे। और कितना का बजट था ₹3,000 का और किससे भुगतान हो रहा था नगद, ठीक है, अब इसको सेव करा दीजिए।
दूसरा क्वेश्चन था आपका, आपको क्या करना था, 500 रुपया कमीशन देना था मिस्टर ए को 2 अक्टूबर को। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट पे चले जाएंगे, F2 कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2/10/2022, और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे कमीशन का, ठीक है, अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कितने का था, 500 रुपया। तो 500 रुपया किसको दे रहा है, मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को हम नगद ही देंगे, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कैश सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी क्या करेंगे, सेव करा देंगे। तीसरा क्वेश्चन था, हम 2000 रुपया मीटिंग पे खर्च कर रहे हैं और वो मीटिंग किस पे हो रहा है, जनरल एक्सपेंस यानी सामान खर्च पे, वैसे मीटिंग कराने पे साफ सफाई नाश्ता ये सब मतलब जो भी है इस पे खर्च हो रहा है 2000 रुपये, और वो पैसा 31 अक्टूबर 2022 को खर्च हो रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, F2 करेंगे और यहाँ लिखेंगे 31 अक्टूबर 2022, और यहाँ पे एक लेजर हम बनाएंगे अल्टी करके, जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और पैसा कितना खर्च है, 2000 रुपये, और ये भी हम भुगतान किससे करेंगे, नगद, और इसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे। अब सेव करने के बाद रिपोर्ट चेक करते हैं कि मैं क्या मेरा बजट जो मेरे कंट्रोल के था कि कंट्रोल से बाहर है। तो इसके लिए हम चलते हैं डिस्प्ले मोर ऑप्शन में और ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद यहाँ पे हम या तो F10 पास कर देंगे, या पे यहाँ लिखा है बजट वेरियंस, तो यहाँ पे आपको जाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे और यहाँ पे बजट वेरियंस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा बजट वेरियंस एनालिसिस, तो हम यहाँ पे जो नाम बनाया था ना बजट फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बजट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 3000 रुपये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे था, 500 रुपये जो कमीशन का था, और 2000 रुपये जो हमारा जनरल एक्सपेंस था। तो टोटल जो मेरा बजट था वो 5000 रुपये का मैंने बनाया था, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5500 रुपये, यानी जो मेरा बजट है वो 500 रुपये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। मंथली यहाँ से चेक करना है तो मंथली आप चेक कर सकते हैं। देखिए, आपने जो एक्चुअल अमाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सेट किया था वो 5000 का किया था, और आपने जो ट्रांजेक्शन पास किया वो कितने का हुआ, 5500 का हुआ, तो टोटल बजट कितने परसेंट का हो गया, 110% का हो गया, यानी आपका जो 500 रुपया है वो ज़्यादा हो गया, यानी आपका जो बजट था वो आपके कंट्रोल से बाहर चला गया। तो इस तरीके से आप बजट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।